उधर यूपी विजय के बाद दो दिन का दिल्ली दौरा पूरा करके योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ वापस लौट आए। अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके पहले कल योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी अपनी अगली चुनौती यानी विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। हार के बावजूद विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ा चुके अखिलेश यादव अब ऊपरी सदन में भी समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं, ताकि विधान परिषद में पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलसी पहुंचकर पार्टी को प्रदेश में और मजबूत कर सके। इसी को लेकर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ लखनऊ में सपा मुख्यालय में एमएलसी पद के दावेदारों से मुलाकात की और उनका इंटरव्यू लिया, क्योंकि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कई विधान परिषद सदस्यों ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव विधान परिषद चुनाव में जुझारू कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को मौका दे सकते हैं, जिसके लिए कई मौजूदा एमएलसी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस ली है और ज्यादा से ज्यादा बहुमत वहां पर हासिल किया जा सके, इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। आज यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जिलों से एमएलसी पद के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनको बुलाया गया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां पर हैं जिन्होंने एमएलसी पद के लिए दावेदारी की है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुजीब अहमद सोनू है। मैं अम्बेडकर नगर का जिला महासचिव भी हूँ और मैंने स्थानीय एमएलसी का चुनाव के लिए आवेदन भी किया था। आज अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हम लोगों ने की है। मुलाकात में उनका जो आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया जाएगा। मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा भी आवेदन अयोध्या अम्बेडकर नगर से था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस विषय मीटिंग बुलाई थी। सारे लोगों से मिले, सबने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चुनेंगे, जो भी उनका आदेश दिशा निर्देश होगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम सभी प्रत्याशी मिलकर उसको चुनाव धन बल जनबल से लाएंगे। यूपी के चुनाव में हार के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची हुई है और यही वजह है कि आरएलडी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन को अब भंग कर दिया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही 21 मार्च को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ में आरएलडी ने प्रदेश कार्यालय पर बुलाया है पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 21 मार्च को ही अपने विधायकों को लखनऊ बुलाया है। अब इस बैठक में हार पर चिंतन होगा या फिर भविष्य की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन इसके पहले 12 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं पर टीवी डिबेट में जाने से रोक लगा दी थी। यूपी की सियासत से जुड़ी तीन बड़ी खबरों को आप इन तीन तस्वीरों के जरिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं।